श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, धनवान बनने के लिए भगवान शंकर ने दो गुप्त रहस्य बताए थे जिन्हें करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। अगर आपके घर में हमेशा गरीबी छाई रहती है, धन की कमी बनी रहती है और आप लाखों बार कोशिश करते हैं लेकिन आपके घर में पैसा आता नहीं है या फिर टिकता नहीं है, तो आपको भी भगवान शिव जी द्वारा बताए गए शिव पुराण के दो गुप्त रहस्यों को जान लेना चाहिए, जिससे कि आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहे। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर आई हम आपको भगवान शंकर जी द्वारा बताए गए दो ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें इंसान के करने मात्र से ही उसकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है और घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उन रहस्यों के बारे में जो भगवान शंकर ने खुद बताए थे। दोस्तों, सबसे पहले रहस्य की बात करते हैं। तो सबसे पहला रहस्य ये है कि भगवान शंकर ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी मनोकामना या कोई भी काम पूरा कराना चाहता है, उसका कोई ऐसा काम है जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हो रहा है या फिर घर में हमेशा कोई भी परेशानी बनी रहती है, तो हर परेशानी का समाधान करने के लिए उसे नंदी भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, नंदी भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप एक लोटा लें, अपने घर से उस लोटे में शुद्ध जल भर लें और उसमें 7 बेलपत्र के पत्ते डाल लें। फिर आप उस लोटे को मंदिर ले जाकर आप जल को नंदी भगवान के ऊपर चढ़ा दें और जो बचे हुए 7 बेलपत्र के पत्ते हैं उन्हें आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और आपकी जो भी कामना, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को नंदी भगवान के कान में बोल दें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। अब दूसरे रहस्य की बात करते हैं। दूसरा रहस्य बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से धन की कमी को दूर करना चाहता है या फिर उसकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो काफ़ी समय से काफ़ी उपाय करने के बाद में भी पूरी नहीं हो रही है या फिर कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों दूसरा उपाय गुरुजी बताते हैं कि आप जो है भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी की पूजा कर लें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना, आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अटक जाए, आपके हर काम बनने लगते हैं। तो दोस्तों, भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी है अशोक सुंदरी, जिनका नाम अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी का स्थान वो स्थान होता है जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं और जहाँ से जल बहकर आता है उस जगह को अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो रेड कलर का एरो बता रहा है, ये जगह अशोक सुंदरी का स्थान है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है और मात्र एक बेलपत्र लेना है और साथ में आप थोड़ा सा शहद ले लें। दोस्तों, आपको इन तीनों चीज़ों को लेकर अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में पहुंच जाना है। वहां जाकर आपको सबसे पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती पर आपको चिकनी तरफ थोड़ा सा शहद लगाना है और आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को चिपका देना है। फिर आपने जो एक लोटा जल लिया है उस जल को आप थोड़ा सा बेलपत्र के ऊपर चढ़ा दें और फिर आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे इस जल को चढ़ाना शुरू कर दें और मनी मन में श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। फिर आप अशोक सुंदरी का ध्यान कर आप अपनी मन की जो भी कामना है उस कामना को अशोक सुंदरी से कह दें। दोस्तों, 7 दिनों के अंदर आप देखेंगे आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वो जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान शंकर अपनी सबसे छोटी बेटी की काफ़ी जल्दी सुनते हैं। आप अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहकर भगवान शंकर से हर कामना को, हर मनोकामना को पूरी करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस उपाय को करके आप खुद देख सकते हैं, आपको इनका रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथ में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।